हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड। वो न्यूज़ आपको समझने के लिए थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके लिए यहाँ पे कलेक्ट की है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोगों को इंपॉर्टेंट वो न्यूज़ डायरेक्टली बता दूंगा तो बाउंसर चला जाएगा। तो उससे पहले ये 1 से 2 मिनट तक यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो आसानी से उसके बाद जो न्यूज़ है वो 1 से 2 सेकंड के अंदर ही आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सो डेफिनेटली पूरा इस वीडियो को देख लेना तो न्यूज़ भी समझ में आएगी, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगा, एंड उसी के साथ साथ कौन से स्टॉक इससे रिलेटेड इंपैक्ट होने वाले हैं वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ये भी दिखाना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके, नोटिफिकेशन के इशू के कारण अब तक वो नहीं पहुँचे होंगे, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। ज़रूर इन सारे वीडियोज़ को आप लोग कवर कर सकते हो और खुद को अपडेट रखने की भी पूरी कोशिश कर सकते हो। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये न्यूज़ है GST से रिलेटेड। यस दोस्तों, GST का सेस रहता है। अभी ये एग्जैक्टली क्या है ऊपर ऊपर से मैं बताऊंगा, ऑब्वियसली मैं भी इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ इससे रिलेटेड। इनडायरेक्ट टैक्सेस की ये सारी बातें हैं, आप सभी लोगों को पता है, पहले इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, उसके बाद GST इंट्रोड्यूस करा गया, तो सारी चीज़ें वो पुरानी हट चुकी है, उसके बदले ये GST आ चुका है। सो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि 19 सितंबर 1910 डेट याद रख लेना, यहाँ पे GST काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। यस, एंड इस मीटिंग में बहुत सारे कुछ बड़े बड़े डिसीजन लेने जाने वाले हैं, तो उसी के चलते यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आ चुकी है। सो वही मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, पहले हम लोग बैकग्राउंड का यहाँ पे डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जरूर जाएंगे। जैसे मैंने कहा, GST सेस से रिलेटेड ये न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये है क्या, इज़ अ कॉम्पनसेशन सेस लेविड ऑन अ सर्टन गुड्स और सर्विसेज टू प्रोवाइड अ कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू अ GST इम्प्लीमेंटेशन एंड अदर रीजन्स। सो इतना ही आप लोगों को यहाँ पे मोटा मोटी ये डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखा दिया, तो उसी के साथ साथ अभी हम लोग यहाँ पे आगे थोड़ा सा चलने वाले हैं। सो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, यहाँ पे भी आप लोग वही चीज़ देख सकते हैं, वॉट इज सेस इन GST एंड हाउ इज इट यूज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मैंने कहा डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर जाएंगे तो आधा चीज़ ब्लैंक भी हो सकता है। सो इससे अच्छा आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट कहा कि GST तो अभी अभी आ चुका है, इससे पहले इनडायरेक्ट टैक्स था, मतलब अलग अलग टैक्सेस थे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि GST ने सारे टैक्सेस को यहाँ पे, वो जो पुराने टैक्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया। सो इसी से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सम स्टेट्स दैट रिलाय ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ लॉस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। तो इसी से रिलेटेड ये हम लोग को कॉम्पनसेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं स्टार इसीलिए लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअल वीडियो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। टू कॉम्पनसेट फॉर दिस लॉस द कॉम्पनसेशन सेस इज GST हैज़ बीन इंट्रोड्यूसड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंटिल July 22 एज पर द GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट फ्रॉम 2017। सो दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बताया गया था अंटिल 2022। सो कुछ ऐसे GST सेस जो लगता है, ऐसे कुल मिला के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 29 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये टैक्स लग जाता है। एंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ये कब तक लगने वाला है, 2022 तक। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कानून में यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 तक, July 22 तक। सो दोस्तों, यहाँ पे 19 सितंबर मतलब 19 सितंबर को जो यहाँ पे मीटिंग होने वाली है उसमें ये बात की जा रही है कि 2022 से बढ़कर और 4 साल डाले जाएंगे, मतलब 2026 तक ये शायद से ये सेस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। GST सेस से रिलेटेड ऐसी खबर सामने आ रही है, होगा नहीं होगा ये तो 19 तारीख को ही पता चल जाएगा, बट ऐसी खबर सामने आ चुकी है। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि 29 ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर ये सेस एप्लीकेबल हुआ करता था, मतलब ऑब्वियसली ये तो एक टैक्स ही है, टैक्स बढ़ना ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है, तो उनके रेवेन्यू यहाँ पे घट जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली उनके शेयर में हम लोग को प्रेशर देखने के लिए शुरुआत मिल चुकी है। सो ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें आती है, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। बट उससे पहले ये 29 आइटम कौन से, ये भी हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा। सो ज़्यादा कोई कष्ट नहीं लेना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हैं व्हाट डज GST सेस अप्लाई टू। सो अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं फ्यू कैटेगरीज़ बताइए, एग्जैक्टली इतने नहीं, फ्यू कैटेगरीज़ यहाँ पे बताइए, जैसे कि पान मसाला,
पान मसाले के ऊपर ये चीज़ें आ जाती है एक्स्ट्रा टैक्स। उसी के साथ साथ एरेटेड वाटर्स के ऊपर भी हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलती है। आगे भी आप लोग देख सकते हो टबैको जैसे प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। टबैको मतलब डायरेक्टली टबैको प्रोडक्ट मतलब आप लोग सिगरेट्स भी पकड़ सकते हो, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कोल के ऊपर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सॉलिड फ्यूल्स के ऊपर ये सारी चीज़ें हम लोग देखने को मिलती है। मोटर कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स, ऐसी चीज़ों के ऊपर हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा कुल मिला के 29 ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है, आइटम्स है, तो एग्जैक्टली हम लोग को पूरा यहाँ पे देखना है तो उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे जाते हैं। सो रफली आप लोगों को यहाँ पे अंदाज़ा आ जाएगा। सो यही चीज़ें जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, गुड्स की अगर हम लोग बात करें, पान मसाला है, अलग अलग टाइप के टबैकोस उन्होंने बताए, कैटेगरीज बताए, आप लोग देख सकते हैं ब्रांडेड है, अनमैन्युफैक्चर्ड है, राइट। सिगार की भी यहाँ पे बात की है, राइट। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ में आ गया टबैको सिगारेट जो कि सरकार प्रमोट नहीं करना चाहती, उसी के ऊपर हम लोग को ये सारी चीज़ें यूजुअली देखने को मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं ब्रांडेड हुक्का एंड ऑल दैट जो कि गलत चीज़ें हैं, इनके रिलेटेड ये सारी लिस्ट में हम लोग को चीज़ें मैक्सिमम देखने को मिल जाती है। मोटर कार की अगर हम लोग बात करें तो बताना चाहूँगा यहाँ पे लग्जरी, यस, जो बहुत ही कॉस्टली मोटर कार है उनसे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। पेट्रोल भी है, एलपीजी का भी नाम हम लोग को इसी लिस्ट में देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो यही कहना चाहूँगा, पहले ये जो टैक्स था, टैक्स देना ये आप सभी लोग पता है उस कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती क्योंकि उनका रेवेन्यू है वो कम हो जाता है। सो ये पहले 2022 तक नियम था जीएसटी सेस से रिलेटेड, जो मैंने आप लोगों को कानून भी दिखा दिया, इसलिए मैंने पहले टाइम खर्च किया, अभी बताया जा रहा है इसमें और 4 साल डालेंगे एंड 2026 तक ये उनको वापस कंटिन्यू देना यहाँ पे पड़ सकता है, ये ऐसा एक न्यूज़ सामने फिलहाल तो आ रहा है। सच या झूठ ये तो 19 तारीख को हम लोगों को समझ में आ जाएगा। सो इस न्यूज़ के चलते आप लोग डेफिनेटली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि उस 29 लिस्ट में ऐसे कौन से प्रोडक्ट के साथ, सर्विसेज के साथ डील करती है, उनमें हम लोग को प्रेशर शायद से देखने को भी मिल सकता है। सो जैसे टोबैको सिगरेट्स की बात करते हैं तो आप सभी लोग पता है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, ये तो सिगरेट से रिलेटेड फेमस कंपनी है, यहाँ पे हम लोग को छोटा सा प्रेशर 1.5% का प्रेशर देखने को मिला। जैसे मैंने कहा 19 तारीख को एक्चुअल में समझ में आएगा तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें टोबैको की, अगर हम लोग बात करते तो ITC, ये तो सबसे बड़ी कंपनी, इनके नाम में ही ITC, टी स्टैंड फॉर टबैको, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, इंपेरियल टबैको कंपनी, यहाँ पे हम लोग को 2% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। सो इसके पीछे ये कहानी है, ये न्यूज़ है, अगर मैं डायरेक्टली बता देता तो इतना मज़ा भी नहीं आता, शायद से आपको पता भी चलता, बट उसमें नॉलेज की कोई, बोलते हैं ना, इंक्रीमेंट नहीं होती, गेन नहीं होता, तो इसीलिए सारा बेस मैंने आपको बना के यहाँ पे सारी खबर बता दी है। और भी बहुत सारी कंपनी है पान मसाले के साथ डील करने वाली। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड एंड टबैको, ये भी कंपनी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कोई चेंजेस ही हम लोगों को देखने को नहीं मिले, पहले बढ़त दिखा रहा था बट क्लोजिंग भी हो गई जहाँ पे ओपनिंग थी उसी के ऊपर। सो ये कुछ स्टॉक्स है दोस्तों जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, जहाँ पे प्रेशर और भी बढ़ भी सकता है। सो हमेशा बजट में भी मैंने आप लोगों को एक सिखाया था कि कभी भी बजट आ जाता है, सो ऐसी चीज़ें जो कि इल्लीगल है, टबैको, सिगरेट्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ऐसी चीज़ों के ऊपर सरकार हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगा देती है एंड ओपनली लगा देती है क्योंकि सरकार कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, तो इसीलिए इन सारे चीज़ों के ऊपर आप लोगों को प्रेशर देखने को मिल सकता है। अभी बात करते हैं टाटा मोटर्स, ये लग्जरी गाड़ियों की बात की तो ऑब्वियसली टाटा मोटर में आप लोगों को पता है JLR, ये भी एक लग्जरी गाड़ियों का ही यूनिट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर में भी हम लोग को छोटा सा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो सारा खेल जैसे मैंने कहा कि 19 सितंबर को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बट ये न्यूज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे, आज है 9 तारीख, सो मतलब 10 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को एक सारी खबर यहाँ पे दे दी है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, ज़रूर स्टडी कर लेना, अगर आप लोगों को डिटेल में लिस्ट चाहिए तो GST सेस कौन से सर्विसेज गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है आप लोग गूगल करके देख लेना, इतना तो एफर्ट आप लोगों ने करना चाहिए, बाकी का एफर्ट्स में ले रहा हो तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि इससे रिलेटेड काम करते, वॉच लिस्ट बना दीजिए, नज़र रख लीजिए कि अगले 10 दिन तक, मतलब आप 9 चल रहा है सितंबर, 19 सितंबर तक इन स्टॉक्स में क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलते हैं, स्टडी कर लेना डे बाय डे कितना गिरता है, कितना रिकवर होता है, कितना जंप करता है, कोई अपडेट आता है तो उसके बाद आप लोगों को बहुत सारी यहाँ पे अपने ही जो आदत है उनके ऊपर इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिल जाएगी। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेन टॉपिक यहाँ पे समझ में आया एंड कुछ हिस्सा भी मैंने आप लोगों को इससे पहले यहाँ पे कानून का वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये जो टफ चीज़ें रहती है उसका ईजी एक्सप्लेनेशन इस 10 मिनट के वीडियो में देखने को और समझने को मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड जैसे मैंने रिक्वेस्ट की जरूर कमेंट सेक्शन में डाल देना अगर आपको लिस्ट मिल जाए जीएसटी सेस से रिलेटेड किसके ऊपर वो एप्लीकेबल होता है। अगर लिस्ट में गूगल ही करना पड़ेगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल देना तो मुझे समझ में आएगा कि इतना लेट तक वीडियो कौन देखता है, वरना आधे तो लोग बीच में ही भाग जाते हैं। सो सिंसियर स्टूडेंट समझ में आ जाएंगे तो ज़रूर आप लोग ये चाहो तो एफर्ट्स ले सकते हो और कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।